राम राम भाई, सारा भाई ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव आज रिव्यू करने वाले हैं जावा पैराग का। सिंगल सीटर आती है, क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या इसमें बढ़िया चीज़ है, क्यों आपको ये लेनी चाहिए? अगर बुलेट के मुकाबले में देखें, रॉयल एनफील्ड की जो आ रही है, मीटियोर आ रही है, अब हाल फिलहाल में हंटर लॉन्च हुई है, उनके मुकाबले ये क्यों? 350 cc आती है वो भी, ये भी, तो वो चीज़ मैं आपको सारी क्लियर करके चलूँगा। एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेकर बताऊंगा कि भाई उसमें हंटर में इसमें क्या फ़र्क है, उसकी भी टेस्ट ड्राइव मैंने ले रखी है, सारी चीज़ कर रखी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई की से, तो ये इसकी की देखने को मिलती है, नॉर्मल जावा लिखा हुआ है इस पर, ठीक है भाई, ये देख लो। अब बात करें भाई बाइक की लुक की, तो लुक वाइज भाई से कहना चाहूँगा, एक बार लुक दिखाए बाइक की, तो लुक वाइज भाई बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। कलर देख लो, ये कलर भी काफ़ी शानदार लग रहा है। इंजन की बात करें तो मतलब एक भरमल जो चीज़ होती है ना, पैक, वो चीज़ लग रही है बिल्कुल। छोटी बाइक है, हैवी बाइक है, फील होएगी जब चलाओगे आप। फ्रंट से बात करते हैं तो भाई इसमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, नॉर्मल, कोई भी इसमें LED नहीं है। नीचे की तरफ हॉर्न दिया गया है, सिंगल हॉर्न है, और नीचे आते हैं रेडिएटर ग्रिल आ जाती है भाई, ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये आती है। और टायर साइज़ की अगर बात करते हैं तो टायर साइज है भाई इसका 190/18 18 इंची ताड़ी आपको इसमें देखने को मिलती है, और ड्यूअल ABS ये आती है। आवाज़ आती है भाई मीटर की तरफ, तो मीटर दिखा देते हैं आपको, ये हो गया इसका मीटर, की यहाँ पे लगती है भाई, ये यहाँ पे की लगती है, देख लो, ऑन कर दिया, ये देखो भाई। अब इसमें न्यूट्रल, ABS, इंजन लाइट और फ्यूल का देखने को मिलता है, फ्यूल की सुई भी दे रखी है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। साइड स्टैंड ऑन लग रहा है, और ये साइड स्टैंड जब तक लगा रहेगा तब तक ये स्टार्ट भी नहीं होगी भाई, ये चीज़ है। स्विच क्वालिटी की बात करते हैं, स्विच क्वालिटी भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हॉर्न हो गया भाई इसका, ठीक है भाई। अब बात करें भाई सीट कंफर्ट की, तो वो मैं टेस्ट ड्राइव लेते वक्त आपको बता दूंगा कैसा क्या इसमें कंफर्ट है। बाकी टैंक आप देख लो भाई इसका, ये देखो काफ़ी प्रीमियम, ये दो लाइन नीचे तक आ रही है पैराग की, यहाँ बैजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर की बात करें तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर हैं, इनमें बल्ब देखने को मिलता है, इनमें कोई भी LED नहीं है। अब बात आ जाती है भाई इंजन की, तो इंजन दिखाओ भाई, इसमें आता है भाई 350 cc इंजन, जो कि 30 BHP और 32 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पावर मैच नहीं होगी भाई कोई सी बाइक लेना 350 cc में रॉयल एनफील्ड की, ठीक है, ये बात होगी। और पीछे आते हैं तो भाई इसमें सीट तो देखने को मिलती नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर हो गए, ड्यूअल चैनल ABS मैंने आपको बता ही दिया था। टायर काफ़ी मोटा है इसका, ये देख लो। प्रोफाइल की बात करें टायर की, तो ये है भाई 140 की चौड़ाई है, 17 इंची, ठीक है भाई, आगे से 1 इंच कम। बाकी भाई अब बात करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव की, एक बार एग्जॉस्ट साउंड और सुना देते हैं आपको। ये मैंने स्टैंड ऊपर कर लिया है, ये देखो भाई, किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं है। एक बार मैं एग्जॉस्ट के पास आपको माइक लगा के दिखाता हूँ, तो भाई ये होगी इसकी साउंड। अब चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे, कैसा इसका पिकअप है, ब्रेकिंग सारी चीज आपको डिटेल में बताते हैं। निकल लिया है भाई, एक बार रोड मिल चाहिए आपको, पिकअप टेस्ट कराएंगे। वाइब्रेशन जीरो है भाई, फर्स्ट गियर में भी बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है ब्रो। अरे यार, भाई ये कौन खेलते है एकदम से, बहुत ही तगड़ा पिकअप है भाई इसका। मीटियोर से बात करी तो कुछ भी नहीं है उसका पिकअप तो, इसके आगे भाई देखना, बहुत प्यारी भागती है भाई। वाइब्रेशन की बात करी तो नथिंग भाई, बिल्कुल जीरो,
ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। पिकअप तो एकदम ऐसी है रॉकेट। अभी एक बार ब्रेक टेस्ट और करना है भाई। हैंडल भी काफी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे भाई ब्रेक टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा। भाई स्किड तो होती है, ये स्किड होती है भाई, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी भाई जो पिकअप इसमें है, क्या मीटर, क्या मीटियर और क्या हंटर, सेल है दोनों। जबकि उनमें भी जो है 350 cc का इंजन आता है भाई। तो भाई चलने वाइज इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है। सर्विस की बात करें तो 4 सर्विस इसमें फ्री देखने को मिलती है। 1000 किलोमीटर पे होती है सर्विस की, 6000 किलोमीटर पे होती है। उनकी कॉस्ट लगभग लगभग 2500 से 3000 के बीच में आएगी, 2500 भाई ने बोला है। बाकी 4 इसमें लेबर कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी, वो आपकी फ्री रहेगी। तो किसी भाई को लेनी हो बाइक पास है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। काफी शानदार पिकअप है भाई। चल रही है, देखी वीडियो चल रही है।